जिस राजस्थान में बेटियों को अभिशाप समझा जाता था, जहां बेटी होने पर लोग दुखी हो जाते थे, उसी राजस्थान की तस्वीर अब बदलने लगी है। लिंगानुपात के मामले में राजस्थान के आंकड़ों में बेहतरीन सुधार देखा गया है। मरुधरा के 5 जिले तो ऐसे हैं जहां बेटों से ज्यादा बेटियों ने जन्म लिया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए आंकड़े। बदल रही राजस्थान की सोच, बदल रही मरुधरा की तस्वीर, बेटियों के जन्म पर बज रही थाली, 20 जिलों में बढ़ा लिंगानुपात। कुछ साल पहले तक बेटियों की कमी से जूझ रहे राजस्थान की तस्वीर अब बदल रही है। जो तस्वीर बदली, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो सुखद है, इस नए राजस्थान में बेटियां खूब जन्म ले रही हैं, खूब फल फूल रही हैं। केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इसका कारण बताती रही है, जबकि राज्य सरकार अपनी योजनाओं को। अब कारण जो भी हो, लेकिन बदलाव की ये तस्वीर सकारात्मक है। बेटियों के जन्म को लेकर अब राजस्थान की सोच बदली है। जिस राजस्थान में बेटियों के जन्म पर गालियां दी जाती थी, वहां अब थालियां बजती। जो राजस्थान लिंगानुपात के मामले में देश में सबसे बदनाम था, अब उसी राजस्थान की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। जिस राजस्थान में बेटियों को बोझ समझा जाता था, आज उसी मरुभूमि पर बेटियां बेटों से ज्यादा जन्म ले रही हैं। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण बांसवाड़ा जिला है। यहां महज 1 साल के अंदर ही तस्वीर इतनी बदली कि 1000 लड़कों के मुकाबले 1005 लड़कियों ने जन्म लिया। पिछले साल का आंकड़ा 965 था, लेकिन 1 साल बाद बेटियों के जन्म की संख्या बढ़ गई। लिंगानुपात की बदलती तस्वीर केवल बांसवाड़ा ही नहीं, बल्कि राजस्थान के 20 जिलों की है, जहां 1 साल में ही लिंगानुपात में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से भी राजस्थान आगे है। देश का राष्ट्रीय लिंगानुपात 927 है, जबकि राजस्थान का औसत लिंगानुपात 937 तक पहुँच चुका है। प्रदेश के बांसवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर में बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर देखने को मिली है। बांसवाड़ा जिले में जहां साल 2021 में 965 लड़कियों ने जन्म लिया, वहीं साल 2022 में 1005 लड़कियों का जन्म हुआ। राजसमंद में साल 2021 में 943 लड़कियों ने जन्म लिया, जबकि साल 2022 में 962 बेटियों का जन्म हुआ। प्रतापगढ़ में साल 2021 में 951 और साल 2022 में 967 बच्चियों का जन्म हुआ। बात चित्तौड़गढ़ की करें तो यहां साल 2021 में 927 और साल 2022 में 948 बेटियों का जन्म हुआ, और गंगानगर में साल 2021 में 928 और साल 2022 में 942 बेटियों ने जन्म लिया। इसके अलावा अलवर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, नागौर और पाली में भी पिछले साल के मुकाबले इस साल लिंगानुपात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत इन जिलों में लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। वहीं झुंझुनू, जोधपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, चूरू, बारा, धौलपुर, अजमेर में पहले के मुकाबले लिंगानुपात घटा है, लेकिन फिर भी बेटियों के लिए राजस्थान की सोच लगातार बदल रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाकी के जिलों में भी लिंगानुपात में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।